अरे लड़के की फोटो भेज दी तुमने लड़की वालों को? हाँ। अरे वाह। हेलो सर, मैं जय बात कर रहा हूँ, आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। सर जी मेरी बारात करा दो। अरे टेंशन कतई मत लो, मुझे लगता है तुम्हारे लिए जो लड़की बनी है वो मेरे ही पास है। अच्छा अच्छा, तभी तो अपना को मिल नहीं रही है, ये हराम ही रखे बैठा। अरे मेरा मतलब है उसकी फोटो है मेरे पास। सोनू फिर पक्का इसके पास वीडियो भी होगी। चाचा तेरा दिमाग ठीक है? नहीं दबा चल रही है, जहर का ज्यादा असर करेगा। अरे मैंने तुम अपनी बहू की फोटो भेजी है तो देखियो, इससे बदल कर नहीं मिल जाएगी। अरे तुम्हारे अंदर मैं कह रहा हूँ शर्म की बहुत कमी है। पक्का होगी, तभी मेरे सुबह को यार पैर बैठा है। अरे तुम्हारी बीबी क्या करती है यार? मेरी बीबी बिजनेस वुमेन है। हटा सोनू, इसकी तो खुद बहुत धंधे वाली। ताला मार दो यार। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तुम्हारी सिम पर रिचार्ज खत्म हो गया। तेरी सिम पर है? हाँ। तो तू अपनी दे दे। अरे अरे मैं कंपनी का बंदा हूँ। चाचा फिर तो पक्का गारंटी होगी इसकी। भालू रबड़ से नहीं बनाऊ, इंसान हूँ मैं। सोनू कंपनी इंसान बनाने लगी? भैया मैं तुम्हारी सिम की कंपनी में काम करता हूँ। चाचा इससे पूछियो, इन्वेटर से चल जाएगा ये। तेरा दिमाग तो ठीक करे। सोनू कंपनी का बंदा है। हाँ। इसमें बैटरी लगी हुई, महंगा होगा। अरे तुम्हें मुझसे लेना देना क्या यार, तुम अपनी सिम पर चुपचाप रिचार्ज करा लो। भाई बहुत गर्म पड़ रही यार। चाचा पक्का चार्जिंग पे लगा होएगा। मैं तेरे आगे मेरा भाई हाथ जोड़ ले, तू अपनी सिम पर रिचार्ज करा ले वरना तेरी सिम बंद हो जाएगा। तो भिजवाड़े था चार्जिंग की पिंदाब ले ध्यान से। क्यों? नहीं तो मेरा भाई तू बंद हो जाएगा। इन्होंने मुझे टिफिन का डब्बा बना दिया, मेरा हिसाब कर दो इससे पहले ये भेज दे। हाय गाइस, तो आज हम करेंगे मशहूर जेब भिखारी का इंटरव्यू। जी तो पहला सवाल, आप काम क्या करते हैं? मैं रात 9 बजे के बाद अंडे देता हूँ। आए अरे आए कर रहा यार, हाथ में कटोरा तो भीख ही मांग रहे होऊंगा मैं। अजय मतलब क्यों मांगते हैं भी? डॉक्टर ने बताइए, कह रहा है 3 टाइम मांगोगे तो तुम्हारा खून बढ़ेगा। अजय मेरा मतलब है कोई मजबूरी है? और ना तो ये कटोरा मुझे सरकार ने दिया यार, कहीं बात कर रहा है। लेकिन तुम्हारे हाथ पैर तो ठीक है तो तू तोड़ दे। नहीं तो सर नहीं देखे जा रहा है मेरे हाथ पैर, तो तू तोड़। अरे हाथ पैर ठीक होने के बाद भी काम नहीं कर रहे हो? काम नहीं कर रहे? और तू मेरे घर पैसे देना आ रहा है? ये कटोरा मैं चौराहे टू चौराहे लेके फिर रहा हूँ, ये काम नहीं है तो क्या है? अच्छा इन बातों को छोड़ो, बीबी है तुम्हारी? नहीं होगी तो तू अपनी दे देगा। बहुत बदतमीज है। बच्चे कितने हैं? 9 बच्चे हैं मेरे। 9 बच्चे? 9 बच्चे तेरे चुराए मैंने ऐसे कर लिया? अरे तुम्हें ये पता होना चाहिए कि बच्चे 2 ही अच्छे होते हैं। तुम्हारे होते होंगे भैया, हमारे तो पहले के 2 गूंगे निकले। दे तो जाए, 1 घंटे तो मेरा दिमाग खा रहे। हेलो सर, मैं इलेक्शन सर्वे एजेंसी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। सर जी प्रणाम। प्रणाम सर, आज आपके यहाँ पे वोट पड़ा है, आपके हिसाब से कौन जीतेगा? ये रमेश जीतेगा। रमेश इलेक्शन लड़ लिया? ये भाड़ू तंबाकू के चक्कर में लड़ लिया। अरे मेरा मतलब है इलेक्शन में कौन जीतेगा। अच्छा ये बताइए आपको क्या लगता है? मेरे ऊपर वाली दाल में पानी लगता है। इलेक्शन में क्या लगता है? इलेक्शन में भी दाल में पानी लगता है। अब क्या करें भैया, बीमारी पुरानी हो गई। सर देखिए मेरी बात सुनिए, आपके यहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है उसकी लड़ाई में कौन भारी है? रमेश भारी है यार, सोनू के ऊपर चढ़ा पड़ा। अरे तुम हर जगह पे यार सोनू और रमेश लाए पड़े हो, मेरी बात को समझो। आपके यहाँ पे इलेक्शन में जो एक आदमी खड़ा हुआ है, ले आओ हम 7 आदमी खड़े हैं, 1 मैं और 6 मेरे पीछे लाइन में लगे। तुम मुझे एक बात बताओ, वोट नशे में डालने गए? नहीं सरकारी स्कूल में। जब 4 दिन का रिजल्ट आ जाएगा तुम मेरा क्यों मत खपा रहे उनसे? सर हाफ डे मिल जाएगा। क्यों? दादी मर गई। अरे ये कौन सी दादी है जो एक ही जन्म में 9-9 बार मर रही है, इसी हफ्ते में 2 बार मार चुका तू। तो यमराज के कब्जे में नहीं आया? भाग रहा है। सर बच्चे का एनसी क्लास में एडमिशन कराना कितनी फीस होगी लगभग? एनसी क्लास की सर 1 लाख रुपए फीस है। फिर तो केजी में मिसाइल बनाने लगेगा। अरे तुम लोग अपने बच्चों का खर्चा क्यों नहीं करना चाहते हो? खर्चा नहीं कर रहे हैं और धूप से चल आइए। सर देखिए इस बेचारे बच्चे का भविष्य आपके हाथों में। मेरे हाथों में टिफिन है, बापे से घर रखा होगा। सर समझने की कोशिश करो, अगर तुम इसका एडमिशन यहाँ कराते हो तो हम इसे कामयाब बना देंगे, क्योंकि हम नई टेक्नोलॉजी से पढ़ाते हैं। कितनी नई? तेरे यहाँ ABCD का इंजेक्शन लग रहा है। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है यार, अगर तुम इसका एडमिशन हमारे स्कूल में कराओगे तो एक बात समझ लो कि तुम इसकी किस्मत लिख रहे हो। तुम खुद ही लिख दियो यार, मैं तो अंगूठा लगाओ। चल निकल बाहर। मैं क्या करोगे? अरे मेरे बराबर तू इसे तोड़ के भेज दे। आशीष मुझे छोड़ दो। जय बदमाश ने एक बार जो सुपारी ले ली उसे पूरी करके छोड़ता। एक आदमी की टांगे तोड़वानी है हो जाएगा, रुपए लगेंगे 4 लाख। 4 लाख टांगे क्या पहले तेजाब में डाल के गला पे? कोई लेन देन वाली बात कर यार। कितनी टांगे तोड़वाओगे? अच्छा कितनी क्या यार, 2 तोड़वाऊंगा। देखो यार तुम 4 टांगे तोड़वाते ना तो मैं पैसे कम कर लेता। तो 2 अपनी तोड़ लिए। अब एक आदमी की तो 2 ही हो गए यार। अच्छा ये बताओ जिसकी तुम टांगे तोड़वाना चाहते हो उससे तुम्हारी दुश्मनी क्या है? बीच बाजार में उसने मेरी बीबी को आंख मारी है। अच्छा तो तुम्हें इसलिए बुरा लगा कि यार तुम्हें नहीं मारी है? तेरा दिमाग लाओ मुझे। बदमाश भाई अगर तुम्हारी बीबी को कोई आंख मारेगा तो तुम क्या करते? भाभी जी मैं
कम से कम रुपए ले लेता 300। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी नजरों में बीबी की इज्जत 300 रुपए है। ये किस तरीके से बात कर रही हो तुम यार, मेरी बीबी की इज्जत यानी मेरी इज्जत। अब हुई ना बात। हाँ तो कम से कम रुपए लेता 700। हेलो हेलो, मतलब यार हमारी इज्जत के कोई पैसे नहीं है। कॉल सेंटर में जॉब से अच्छा मैं अमीर के घर में कुत्ता होता, कम से कम टाइम पे बिस्कुट तो खा लेता। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ बुरा बात, अगर मेरी मदद ना हुई तो मैं तुझे यहीं घुट्टी डाल लूंगा। अच्छा, आपकी बिल्कुल मदद करी जाएगी, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ। प्रॉब्लम यार, पेशाब पीला आ रहा है। तेरा खानदानी हकीम हूँ मैं और मुझसे कह रहा है मैं बटन से कलर बदल दूंगा। यार नाइट वर्क में कोई प्रॉब्लम आ रही तो बता। नाइट वर्क कह रहा यार, हमारे फोन में नाइट फ्री नहीं चल रहा। तो मेरे लिए तू यार, तुझसे कितनी बार कह दिया कि 5G के मोबाइल में नाइट फ्री चल रहा। 5G का तो फिलहाल पता नहीं, मगर सोनू के मोबाइल में फ्री चल रहा। अरे मेरा मतलब है तो सोनू का मोबाइल 5G का होगा सर। लियो और जी हमसे कह रही है कि रेडमी का है। सर उसके मोबाइल में तो फिर सिम 5G की होगी। तेरी जान कसम भैया, सिम खलील की है। तुम्हें अपना मोबाइल में नेट फ्री चलाना। और तो तुम एक काम करो, मेरी मानो तो 5G का मोबाइल ले लो। तो तुम कह दियो 5G से मुझे ऐसे देगा नहीं। तू ऑफिस के बाहर निकल जा बिल्कुल अभी, नेक्स्ट भेजो। आए हाय, ओए होए, बातो बती बातो बती। सबसे पहली चीज, तुम इंटरव्यू में गाने गा रहा हो, तुम्हारा तमीज कहाँ है? तमीज पता नहीं सर जी, पर ये तो कह रहे थे खाली CV लाना। अरे मेरा मतलब है तुम्हारे अंदर तमीज नहीं है। फिर तो निकाल लिया इन्होंने। अरे मेरा भाई, तुम इंटरव्यू में गाने गा रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ कि तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है। ले मैनर्स भी नहीं है, मेरी दोनों चीजें निकाल ली। इधर ले जाओ ले जाओ। मैं जिंदा तो बच जाऊंगा सर जी। सर क्या हुआ? अरे इसके अंदर 1% भी सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है यार। आए सेंस ऑफ ह्यूमर, मैं 1 मिनट नहीं सोया हूँ, मेरी तीनों चीजें निकाल ली। खुद को संभालिए। अरे मैं क्या करूँ, इसके अंदर बिल्कुल भी दिमाग नहीं है यार। दिमाग भी निकाल लिया, मुझे कतई खाली कर दिया। तुम्हारा इंटरव्यू चलो, मेरा जो पर्चे पे तो लिखे। मेरी नौकरी का आखिरी दिन है। हेलो हेलो, मेरी बात रज्जाक जी से हो रही है? तेरा भाई मेरे बगैर दिल नहीं लग रहा। हाँ बड़ी तू कटरीना कैफ की कुतिया, तूने मेरी कंपनी से लोन लिया है। आओ ना, तो तेरी कंपनी बच्चे बना रही है। जब लोन दे रही है तो लोन ही लूंगा। अरे तो जब लोन लिया है तो इसे वापस कौन देगा? मेरी कोई नियत नहीं है, दुआ करो ऊपर वाला देगा। अगर कंपनी का पैसा नहीं मिला ना रज्जाक जी, तो मैं तेरे खिलाफ एक्शन लूंगा। जिस हिसाब से तेरे फोन आ रहा है, दिल तेरा पप्पी लेन का कर रही है। अरे मेरी किसी समझदार से बात कराओ। समझदार मैं मट्टी चाट रहा हूं। अरे तेरी बीबी है? नहीं होगी तो तू अपनी दे देगा। रज्जाक जी मेरी बीबी 15,000 रुपए कमाती, फिर तो कम से कम लाख की बिक जाएगी। अरे लाख रुपए में कौन अपनी बहू बेच देगा? अब तुम तो बड़े लोग हो भैया, हमने तो 2600 की बेच दी। कितने अफसोस की बात है, तुमने 2600 में अपनी बहू बेच दी। और यार उसके अगले ही दिन 3300 लग गए। अरे बकरी बेच रहा है, कहाँ पैसे दे दे। हेलो हेलो, किडनैपर जैब स्पीकिंग, मैंने तेरा लौंडा किडनैप कर लिया। दिखने में कैसा है? अच्छा है। तो फिर तू ही रख ले। हेलो अब क्या बात है? अरे इसका मैं क्या करूंगा यार, अगर तू अपना लौंडा जिंदा देखना चाहता है तो 5 लाख रुपए दे। तू मेरे साथ चल, मैं दिलवाऊं 5 लाख में ऐसे दो। अरे मैं तेरा लौंडा बेच नहीं रहा हूँ यार, किडनैप करा। वो बात तेरी सही है, मगर तू खुद देख 5 लाख रुपए का है ये? नहीं है तो कमजोर यार। अच्छा कितने रुपए दोगे? रुपए दूंगा 1300। रिमोट से चल जाइए या मेरे पे तो चलाया तूने यार, कम से कम 1 लाख रुपए तो दे। इतने का ये पूरा बिकेगा नहीं मेरा भाई, तू अपना काट के बेच ले। ये बाप का कैसा रूप है, इसकी मम्मी से मेरी बात कराओ। ले बात कर। हेलो हेलो, अगर तुम अपना लौंडा जिंदा देखना चाहती हो तो 50,000 रुपए दो। तू मुझे 30 दे, छोटा वाला भी ले जा। खाऊंगा तुझे खिलाऊंगा। हेलो हेलो, तुम अपना लौंडा ले जाओ हॉस्पिटल से, इसे भूख लगन लगी। अच्छा डॉक्टर साहब कुछ खाया? हाँ सुबह जहर खा लिया। भाड़े बैठो यार, भलाई का तो जमाना नहीं। डॉक्टर साहब बात सुनियो। अरे तुम पेशेंटों को हॉस्पिटल में कैसे घूम रहे? वो अंदर टेबल पर कागज में क्या रखा था? जहर। मैंने खा लिया। चलो कोई बात नहीं है, मैं और मंगा लूंगा। जो जरा सा खाया नहीं के सो गए। अरे डॉक्टर साहब मुझे यकीन है तुम मेरी बीबी को बचा लोगे। क्यों, तू फिर मुझे दे देगा? अरे इसका बचना बहुत जरूरी है। कितना जरूरी, बेच रखी तूने। डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। नर्स क्या हुआ? ये मरीज ने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश करी है। ना 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 ना, डॉक्टर साहब कोशिश नहीं, कामयाब हुआ।
हेलो सर, मैं इलेक्शन सर्विस एजेंसी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। क्या आप उत्तर प्रदेश के वोटर हैं? जिस हिसाब से तुम्हारे फोन आ रहा है, मुझे लग रहा है मेरी वोट से सरकार बनेगी। बढ़िया सर, हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट कराएं। जितने ज्यादा पांचों उंगलियों का डाली आप क्या करो। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 2024 में आपको क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? मेरी मशीन में डालना है ये वोट। अरे मुझे कैसे पता होगा? अरे माहौल से भी पता चलता है सर। आपके आसपास का माहौल कैसा है? युवा नेता ने लौंडिया छेड़ दी, फिलहाल तो पंचायत का माहौल। अरे मैं इलेक्शन के माहौल की बात कर रहा हूँ यार। लोगों की रुचि कैसी है? रुचि तो ठीक है, मगर ये जफ्फार की लौंडिया छेनाल निकली। 9 लौंडे निकले इसके घर से। अरे अंदाजा बहुत बड़ी चीज होती है यार। तुम्हारे पड़ोसी मुझे ये बताओ कि किसको प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं? वो कहाँ से देखेगा, उसकी तो आंखें खराब है। वकील साहब पैसे ऐंठ लियो, तलाक का केस है। हाँ बताओ। वकील साहब बीबी से तलाक दिलवाओ, ये औरत खराब है। मुझे दे दो, मैं ठीक करा लूंगा। वकील साहब मैं कही जाऊँ कहीं तुम्हारे पिछवाड़े पे केस ना ले। आइटम देख, अगर 400-500 में ठीक हो जाएगी तो क्या बोलिए? ठीक हो जाएगी, मोटर खराब नहीं हुई है, इसकी चाल चलन ठीक नहीं है। अच्छा इसमें चाबी कितने भरती? वकील साहब मैं बहुत सीधी लड़की हूँ। अरे रहन दो भाभी जी, 4 बार आंख तो तुमने मुझे मार दी। अब बताओ वकील साहब कैसा लग रहा है? नहीं मजा आ रहा है। टांगा फाड़ देगा जी वकील साहब तुम्हें, यार औरतें खाएगी। वकील साहब अगर तुम्हारी बीबी आंख मारती तो तुम्हें पता चलता। खबरदार अगर तूने मेरी बीबी के बारे में ऐसी बात करी। मेरी बीबी ने आज तक किसी को आंख नहीं मारी। न भाभी जी को तो जो पसंद आवे था घर बुलाए लेकर आई थी। अरे पागल हो।